कहते हैं कि जी हम भारत से जंग लड़ेंगे, चार जंगें लड़ी हैं, उसमें हमारा असर क्या हुआ है दुनिया जानती है। अब तो वो टाइम नहीं रहा ना कि ये बोलेंगे कि जी हम जंगे जीत कर आए थे। अब तो सबको पता है कि चार जंगे लड़ी, चारों में हम बुरी तरह से हार गए, चाहे वो कारगिल की क्यों ना, जिसमें हमने डेड बॉडीज तक एक्सेप्ट नहीं की थी, लेकिन यानी अपने ही फौजियों की डेड बॉडीज हम नहीं वापस ले रहे थे। वो बेचारे उन लोगों ने उनको भी जो है पूरे एहतराम के साथ दफनाया इंडियन आर्मी ने। तो हम बजाय शुक्रिया अदा करने के हम कहते हैं कि जी हमने तो चार जंगे लड़ी। अभी जब तक वो रहे, जब तक वो वहां पर रहे गोवा में, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, हमेशा तारीफें ही की। जो इंटरव्यूज उन्होंने दिए इंडियन मीडिया को, उसमें भी उन्होंने बड़ा अच्छा अपने आप को कंडक्ट किया, लेकिन जैसे ही वो पाकिस्तान वापस आए, आते के साथ ही उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो काफी डिस्टर्बिंग थी, और उसमें उन्होंने कई ऐसी बातें की जो उनको नहीं करनी चाहिए। इमरान खान होते या नवाज शरीफ हो या जरदारी साहब, कोई भी हो, एस्टेब्लिशमेंट जिसको कहेगी वो जाएगा, एस्टेब्लिशमेंट जिसे भेजेगी वो जाएगा। इसमें इमरान खान या किसी पॉलिटिशियन का कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान को कल भी एजेंसीज चलाती थी, फौज चलाती थी, पाकिस्तान को आज भी फौज और एजेंसीज ही चलाती हैं। इसलिए इन बेचारों की अपनी कोई मर्जी नहीं है, तो अपनी मर्जी से घर भी नहीं जा सकते। इन्होंने इंडिया क्या जाता। आरजू काजमी को मैं देख लूंगा, मैं अगर आरजू काजमी ये तो मैं वैसा, तो क्या फिर मैं बाद में कहूंगी जी आरजू काजमी मेरे साथ रिलेशन मतलब बिजनेस के हवाले से कुछ बेहतर नहीं करना चाहती, तो लोग मेरे पे हंसेंगे या आरजू काजमी को बुरा बोलेंगे? देखिए जो कुछ हो रहा होता है ना वो एजेंसी को पता होता है। अगर हम ये समझे कि इन्वेस्टिगेशन होगी फिर पता चलेगा, चले वो भी कर लें फॉर्मेलिटी के लिए, लेकिन इस किस्म के जो अटैक्स होते हैं जो कश्मीर में होते हैं या जो केपीके में अफगान बॉर्डर पे हो रहे होते हैं टीटीपी, तो ऐसा लगता है कि शायद उनकी उर्दू बहुत अच्छी नहीं है और वो कुछ और कहना चाह रहे होंगे। तो जैसे उन्होंने पहले कहा था कहां पे टांग गई, और वो कुछ और बात करना चाह रहे थे, कुछ इसी किस्म की बात है। बिल्कुल पाकिस्तान फिलहाल इस पोजीशन में नहीं है कि कोई ऐसा जवाब दे जिसको याद करे, लेकिन ये एक तरह का लोग धमकी भी समझ रहे हैं, कह रहे हैं कि शायद कोई थ्रेट ही उन्होंने, लेकिन शायद एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ऐसा कहा गया होगा कि जब कोई ऐसा सवाल हो तो वो इस पे ये जवाब दे, क्योंकि बहरहाल पाकिस्तान ऑब्जेक्शन तो कर रहा है, चाहे वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए G20 के ऊपर, क्योंकि वैसे भी G20 कंट्रीज में पाकिस्तान शामिल नहीं है। बिल्कुल पाकिस्तान को कोई राइट बनता नहीं, लेकिन आप कश्मीर के ऊपर हम लोग क्योंकि हमेशा से एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, तो शायद इसी वजह से उन्होंने कहा होगा, अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कि भारत में लोग घबरा गए होंगे उनकी को ये बात सुनकर। ठीक है, वो तो डेफिनेटली दुनिया को पता है, हम कुछ लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, चंद लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं बड़े बड़े दावे बड़ी बड़ी स्टेटमेंट देके या धमकियां देके, लेकिन दुनिया जो रियलिटी है वो दुनिया जानती है उसको। एक चीज तो ये जी नहीं, हमारी इस टाइम कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम कोई जवाब दे सकें। दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर कंडीशन अच्छी होती तो फिर हमें ऐसी स्टेटमेंट तो भी देनी चाहिए थी। लेट्स सपोज आज हम भारत से इंडिया से इकोनॉमी वाइज बेहतर भी होते, तो क्या हमें ऐसी स्टेटमेंट देनी चाहिए थी? क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल के कि ऐसी स्टेटमेंट देनी चाहिए थी। पाकिस्तान हो या कोई भी कंट्री हो, उसको जरूरत इस बात की होती है कि जो कंट्रीज के बॉर्डर उनके साथ लगते हैं उनके साथ टर्म्स बेहतर हो, तभी आगे बढ़ा जा सकता है, वरना अच्छी इकोनॉमी को बर्बाद होते भी टाइम नहीं लगता। और शायद यही वजह है कि चाइना और इंडिया बहुत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, दोनों में बेशक एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट रहता है, लेकिन तब भी आप देखें ट्रेड भी चल रही है, बातचीत भी चल रही है, हर जगह साथ बैठे भी दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त भी यही कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो इंडिया पहुंचे थे, तो ये चाइना की तरफ से प्रेशर आया था पाकिस्तान पे कि जी आप भेजिए, इस वजह से ये गए, वरना हो सकता है कि ये इसमें ना जाते। जैसे आपने देखा कि डिफेंस मिनिस्टर नहीं गए, जबकि पाकिस्तान में ही उन्होंने ज्वाइन करना था, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, लेकिन तब भी ख्वाजा आसिफ साहब नहीं गए। लेकिन बिलावल भुट्टो के लिए खास तौर पे चाइना और सऊदी अरब से कहा गया था, इसी वजह से वो पहुंचे भारत। ठीक है, देखे मुझे शायद कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करें जो इस स्टेटमेंट के ऊपर कि भाई मैं अप्रिशिएट करता हूँ बिलावल साहब जो इंडिया गए हैं, इस बात को उनके जाने को जस्ट अप्रिशिएट करता हूँ, और बड़ी उम्मीद थी मुझे, मैं यकीन माने बहुत एक्साइटेड रहा कि बिलावल साहब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया जा रहे हैं, शायद कुछ रिलेशन बेहतर हो, शायद मैं कहता हूँ और कुछ नहीं, अगर मैं फॉरेन मिनिस्टर होता तो एटलीस्ट इंडिया को जितना भी इस टाइम पाकिस्तान पे गुस्सा है या पाकिस्तान को जितना भी इंडिया पे गुस्सा है, एटलीस्ट
मैं स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम जरूर पास करवा के आता। मतलब मैं कहता कि भाई ठीक है कश्मीर का इशू चल रहा है, ठीक है हमारे वो बहुत से ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो चल रहे हैं, लेकिन एजुकेशन के ऊपर हमें आपकी जरूरत है तो आप स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम कर रहे हैं। और मैं गारंटी से कहता हूं कि वहां के वो इस चीज को जरूर मानते हैं, वो एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इस चीज को जरूर मानते हैं, लेकिन हमारा फोकस शायद किसी और चीजों के ऊपर है, किसी और तरह से हम सोचते हैं जिसका नुकसान हमें ही होता है। ये बताएं हम क्यों नहीं, आपने चाइना और इंडिया की एग्जांपल दी कि जी चाइना और इंडिया जितने भी कंफ्लिक्ट्स रहते हैं फिर भी आपस में ट्रेड करते हैं जो भी है, हम सीखते क्यों नहीं? ये कहा जा सकता है क्योंकि हमारी सोच बहुत छोटी है। अभी आपने कहा कि स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम करते तो हम उससे तो मुझे यही समझ आई कि हमारे स्टूडेंट्स वहां जाते हैं और उनके स्टूडेंट्स यहाँ आते, तो हमारे तो चलो वहां जाके कुछ ना कुछ पढ़ लिख जाते हैं आईटी में या किसी चीज में, हम क्या करते? हम क्या मदरसों में बिठा देते? क्या हमने जिहाद बना देने थे जो हमने कई स्टूडेंट्स अपने वैसे ही बना रखे? हम क्या पढ़ाएंगे इंडिया उसमें? ये था ना स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में, ये कि वो अगर देखे एक अपॉर्चुनिटी एक कह लें कि कोई मौजूद होती, हमारे पास ऑप्शन मौजूद होती और उनके पास अगर कोई आना चाहता तो आता, लेकिन हम जरूर जाते। मतलब एक तरीका तो होता आने जाने का, खासतौर पर एजुकेशन के हवाले से। नो डाउट कि उनका जो एजुकेशन सिस्टम है कोई यहाँ पे एज सच मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक नहीं आएगा, लेकिन शायद कुछ लोग होते इंटरेस्टिंग होते कि भाई जाके देखें पाकिस्तान, पीएचडी करने आ जाते पाकिस्तान के ऊपर के जो पाकिस्तान में इस टाइम कंडीशन है उसकी क्या हालत है, और शायद वो पीएचडी करके वो यहां से थीसिस कलेक्ट करके वो यहां से रिसर्च करके जाके वहां पे पब्लिश करते और हम उन्हीं से सीख लेते, वो ही उनकी बताई हुई बातें ही हम अपने वो फॉलो करते और शायद बेहतरी आ जाती, क्योंकि हमने खुद तो कुछ बेहतर करना नहीं है, ये हमने कसम शायद खा रखी है। मुझे ये बताएं कि जैसे बिलावल भुट्टो साहब ने स्टेटमेंट दी है कि जी हम ऐसा जवाब देंगे कि याद रखेंगे, अल्लाह ना करे जैसे पूंछ अटैक हुआ ऐसा कोई वाकया फिर पेश आता है और वो पाकिस्तान उसमें इन्वॉल्व होता भी नहीं, लेट्स सपोज, तो क्या फिर ये स्टेटमेंट आगे नहीं आएगी कि भाई ये देखें बिलावल भुट्टो साहब ने ये बोला था और ये हुआ? बिल्कुल आएगी, बड़ा इमेच्योर किस्म का स्टेटमेंट था, उनको नहीं देना चाहिए था और अभी भी मेरे ख्याल टाइम है उनको कहना चाहिए कि उनका आगे जिस किस्म का मतलब नहीं था, कुछ और कहना चाह रहे थे, आई थिंक उन्होंने उसको पॉलिश कर लें अपनी बात को, आई थिंक उन्होंने ये क्लियर किया है। मैं मुझे इस चीज की कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मुझे अभी सोर्सेज से पता चला है कि उन्होंने दोबारा स्टेटमेंट दी है या ये चीज क्लियर की है, हमारे पाकिस्तान की तरफ से ये चीज क्लियर की गई है कि भाई जो आप मतलब समझ रहे हैं धमकी का मतलब जो समझ रहे हैं, हमने धमकी नहीं दी, आई थिंक उन्होंने क्लियर किया, अगर किया तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए और मेरे ख्याल आइंदा उनको जो है थोड़ा सा एहतियात भी करनी चाहिए, यकीनन उनके पास पूरी टीम होगी फॉरेन ऑफिस की जो उनको बताती होगी कि क्या बात करनी है, तो थोड़ा सा सोच समझ के और तब बात करें तभी बेहतर होगा, बजाय इसके उल्टे सीधे स्टेटमेंट्स दे दें और उसके बाद सफाइयां दें जो अक्सर लोग नहीं भी सुनते, तो थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए क्योंकि पहले भी वो अमेरिका में जिस किस्म की स्टेटमेंट दे चुके हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए और फॉरेन मिनिस्टर के लिए, उसी का रिजल्ट था कि वो अभी गए थे तो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर उनको बहुत खुश इखलाकी से या बड़ा कहना चाहिए मुस्कुरा के वेलकम नहीं कर रहे थे, एक ऐसे ही था जैसे ठीक है सभी मेहमान आए हैं तो चलो ये भी आ गए, और इसी किस्म का उन्होंने इंटरव्यू भी दिया यानी कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने उनके बारे में कि जैसे मेहमान होते हैं मैं वैसा ही होस्ट होता हूँ, तो जाहिर है कि एक इम्प्रेशन खराब हुआ हुआ है लेकिन टाइम लगेगा। मैं भी अप्रिशिएट करती हूँ कि बिलावल इसके बावजूद गए बिलावल भुट्टो जरदारी और उन्होंने सब कुछ फेस किया, आई थिंक ये चीज उनको आगे जबरदस्त देखें जो चीज है हम चाहते हैं कुछ बेहतर हो और हम अप्रिशिएट करें, आप पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करें हम क्यों नहीं अप्रिशिएट करेंगे, आप कुछ डेवलपमेंट के काम करें हम क्यों नहीं अप्रिशिएट करेंगे, आप पीस का कुछ प्रैक्टिकली कुछ करें पीस के लिए तो हम क्यों नहीं अप्रिशिएट करेंगे, हम जरूर करेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं जैसे आपने बोला कि मतलब जैसे कुछ टीम है या उनकी प्रॉपर कुछ पीछे लोग हैं जो उन्हें बताते हैं ये बोलना डेफिनेटली टीम होगी और बताते होंगे, तो इतने इमेच्योर लोग टीम में होते हैं जो ये कहते हैं कि आपने ऐसी स्टेटमेंट देनी है, या फिर हमारी पाकिस्तानी पब्लिक को देख के स्टेटमेंट दी जाती है कि भाई ये इस तरह के नमक मिर्च वाली बातों को काफी ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि लो जी इमरान खान वहां गया यूएनओ में उसने वहां पे जाके दबंग स्टेटमेंट दी, बिलावल भुट्टो शायद यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी इंडिया में जाके इंडियन को ललकार दिया, कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये हमारी एजेंसीज और हमारी जो फौज है एस्टेब्लिशमेंट जिसको कह लीजिए तो उनकी तरफ से ये डिक्टेशन जाता है और उन्होंने ही बताया होगा कि आपने इस तरह से बात करनी है, क्योंकि चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो चाहे फॉरेन मिनिस्टर हो
पाकिस्तान के वो जहां भी जाके बात करते हैं तो उनको डिक्टेशन जो है वो एजेंसीज ने ही बताया होता है। यहाँ तक कि बहुत बार ये भी कहा जाता है जो हमारे मीडिया के लोग बात करते हैं किसी इस किस्म के इवेंट में, तो वो भी जाहिर है कि एजेंसी से ही उनको मिला होता है कि आपने ये पूछना है या ये नहीं, ये बात नहीं करनी है। बिलावल साहब को भी ऐसे ही बताया गया होगा, अदरवाइज इंडिया में जब तक वो रहे, जब तक वो वहां पर रहे गोवा में, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, हमेशा तारीफें ही की। जो इंटरव्यूज उन्होंने दिए इंडियन मीडिया को उसमें भी उन्होंने बड़ा अच्छा अपने आप को कंडक्ट किया, लेकिन जैसे ही वो पाकिस्तान वापस आए, आते के साथ ही उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो काफी डिस्टर्बिंग थी और उसमें उन्होंने कई ऐसी बातें की जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, देखिए बातें बहुत सी हैं, मैं मेरे दिल में आज बहुत सी बातें हैं जो मैं करूं और इन्हें समझाने की कोशिश करूं। मैं मतलब कि अगर हम मेरे जैसा एक नौजवान ये चीजें जान सकता है या जानने की सोच रखता है, ताकत रखता है कि भाई मैं आज आरजू जी मैं आज आपसे मिलूं, आपसे बोलूं कैसी हैं आप, और हम चाहते हैं रिलेशन बेहतर किए जाएं, हम चाहते हैं आपके साथ हम जो मिलके कुछ बिजनेस करें कुछ वट एवर, और फिर जाके मीडिया पे या कहीं पे जाके मैं बोलूं कि आरजू काजमी को मैं देख लूंगा, मैं अगर आरजू काजमी ये तो मैं वैसा, तो क्या फिर मैं बाद में कहूंगे जी आरजू काजमी मेरे साथ रिलेशन मतलब बिजनेस के हवाले से कुछ बेहतर नहीं करना चाहती, तो लोग मेरे पे हंसेंगे या आरजू काजमी को बुरा बोलेंगे? देखिए ऑब्वियसली गलती हुई है बिलावल भुट्टो जरदारी से, उनको ये बात एक्सेप्ट करनी चाहिए, और अगर दूसरी तरफ से इस किस्म का रवैया है जो कि हमने देखा तो वो बहुत नेचुरल है। जाहिर अगर कोई किसी को बुरा भला कहेगा और उसके बाद उनके आप घर पे जाएंगे तो इसी किस्म का रवैया देखने को मिलेगा। उन्होंने एग्जैक्ट ये जरूर है कि जी उन्होंने एग्जैक्ट स्टेटमेंट डॉक्टर जयशंकर ने जो स्टेटमेंट दी उन्होंने यही ऐसा कुछ बोला है कि जिनके उन अटैक्स में जो धमाके हुए हैं वो उनमें जिनकी जाने गई हैं उनके घर वालों से कोई जाके बोले कि भाई हमने इस तरीके से किया है तो लेकिन हम आपके साथ रिलेशन बेहतर चाहते हैं, तो क्या वो रिलेशन बेहतर करेंगे? तो ये वाकई एक ऑथेंटिक क्वेश्चन है मेरे ख्याल में। और हाँ, इसके अंदर बिलावल भुट्टो ये कह सकते थे कि भाई मैंने ऐसा नहीं या हमारी तरफ से ऐसा नहीं हुआ, आप इन्वेस्टिगेशन करें, बजाय इसके कि आप ये तो वही बात है चोर की दाढ़ी में तिनका, तो हम ये समझे कि शायद हमें बोला या मुझे बोला, तो आप कहें कि भाई आप इन्वेस्टिगेशन करें। देखें जो कुछ हो रहा होता है ना वो एजेंसी को पता होता है, अगर हम ये समझे कि इन्वेस्टिगेशन होगी फिर पता चलेगा, चले वो भी कर लें फॉर्मेलिटी के लिए, लेकिन इस किस्म के जो अटैक्स होते हैं जो कश्मीर में होते हैं या जो केपीके में अफगान बॉर्डर पे हो रहे होते हैं टीटीपी, ठीक है, वो हमारी एजेंसीज हो चाहे इंडियन एजेंसीज हो, सबको पता होता है कौन कर रहा है कहाँ से हो रहा है। ये और बात है कि मत मानिए और कह दीजिए हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, और नॉन स्टेट एक्टर जो हमने एक वर्ड निकाला है जो हम हमेशा कहते हैं कि जी नॉन स्टेट एक्टर्स है, तो नॉन स्टेट एक्टर्स कोई नहीं होते, ये हमने अपना बहाना बनाया हुआ है। हम जब तक इन लोगों को रोकेंगे नहीं ऐसा कुछ, ये रुकने वाली चीज है नहीं, और जाहिर है रोकेंगे अगर तो इनके डिफेंस बजट और वो सारी चीजें बंद हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, जो ये नहीं चाहते। आईएमएफ ने भी इसीलिए अभी तक लोन नहीं दिया है कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी आर्मी का डिफेंस बजट कम करे, जो कि किसी की हिम्मत नहीं है, किसी पॉलिटिशियन की हिम्मत नहीं है कि वो ये कर पाए। तो जाहिर है जब वो इस किस्म की चीजें करेंगे चाह ये रहे हैं कि भारत की तरफ से कोई जवाब आए, किसी किस्म की एयर स्ट्राइक हो जाए या कोई और बात हो, ताकि हम कह सके, मतलब हमसे मेरा मतलब है हमारी फौज ये कह सके कि देखो जी भारत ने हमला कर दिया और हम पाकिस्तान को बचा रहे हैं, ये कहकर ये अपने आप को जस्टिफाई करेंगे, अपने बजट को बचाएंगे, और साथ ही साथ जो आज हर गली हर स्ट्रीट के ऊपर आम पब्लिक इन्हें बुरा भला कह रही है इनके करप्शन के ऊपर, कि पॉलिटिशियंस के साथ साथ ये एजेंसी वाले भी करप्ट हैं, वो थोड़ी सी आपको पता है कि थोड़ी गालियां कम हो जाएंगी, थोड़ा लोग बर्दाश्त करने लगेंगे, क्योंकि वाकई में भारत तो हमें खाने आ रहा था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भारत अपनी चीजों में इतना बिजी है, चाहे वो G20 हो या SCO, कि वो पाकिस्तान को प्रॉपरली वो जवाब नहीं दे रहा है जो पाकिस्तान चाहता है। ठीक है आरजू जी, मुझे ये बताएं कि आखिर जैसे इस टाइम हमारी कंडीशन है और जैसे इस टाइम इंडिया की कंडीशन है, इंडिया वाले क्यों चाहेंगे, उनकी गवर्नमेंट क्यों चाहेगी कि पाकिस्तान को मतलब पाकिस्तान के लिए स्पेशली कुछ ऐसा किया जाए जिससे उनकी कंडीशन खराब हो? मतलब उन्हें एक लेट्स सपोज मैं एग्जांपल के लिए बात कर रहा हूं, एक अटैक करने की एयर स्ट्राइक करने की भी क्या जरूरत है? क्या एयर स्ट्राइक के बगैर ही हम खुद ही अपने ऊपर एयर स्ट्राइक नहीं कर रहे आपस में? क्या इमरान खान नवाज शरीफ के ऊपर, शहबाज शरीफ के ऊपर, शहबाज शरीफ इमरान खान के ऊपर एयर स्ट्राइक नहीं कर रहे? हम जब खुद ही इतना एंगेज हैं एक दूसरे को बर्बाद करने में, पाकिस्तान को तबाह करने में, तो कोई क्यों चाहेगा? एक तो ये चीज। दूसरे नंबर पे इंडिया जितनी तेजी से ग्रो कर रहा है, क्या इंडिया चाहेगा कि अपना टाइम,
अपनी पॉलिसीज में चेंजिंग, अपने अगर इकोनॉमी की बात करें वो इन चीजों के ऊपर लगाए कि भाई पाकिस्तान को नीचे दिखाना है या पाकिस्तान को खराब करना है। मतलब ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। वो चाहेगा जो हमें बताया जाता है जी इंडिया चाहता है, इंडिया क्यों चाहता है कोई ये नहीं बताता कि भाई वो लेट्स सपोज कोई किसी को नीचे तब गिराना चाहता है जब कोई दूसरा आगे निकल रहा हो, ऐसा ही है। तो फिर क्यों मतलब हम तो हमने रिवर्स गियर लगाया होगा और हम कहते हैं कि इंडिया की वजह से हम पीछे हैं। इसलिए कि हम लास्ट 75 ईयर से यही चूरन बेच रहे हैं ना, हम कश्मीर और इंडिया का चूरन कि हम वहां से आ गए हैं लेकिन हमें फिर भी ऐसा लग रहा है कि इंडिया को बड़ा प्रॉब्लम है और वो टू नेशन थ्योरी जो हमने पढ़ी है वो अभी तक हम उसमें से निकल ही नहीं पाए, हम अभी तक वही लेके चल रहे हैं। इस वजह से हमें बार बार ये हमारी ख्वाहिश भी होती है कि इंडिया हमें कुछ कह दे या एयर स्ट्राइक हो जाए या किसी किस्म का झगड़ा हो जाए ताकि हमारी एजेंसीज और हमारी फौज जो है वो बजट ले सके और पब्लिक को भी इसी डर में रखे। जाहिर है अगर ये खौफ दिलों में जला जाएगा लोगों के कि इंडिया अटैक करने वाला है या यहाँ पे कोई जंग होने वाली है तो कौन पूछेगा कि जी आटा कितने का है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल इतना क्यों आ रहा है, जॉब क्यों नहीं है, ये सारी चीजें जो गवर्नमेंट जिसकी वजह से प्रेशराइज होती है वो सारी चीजें लोगों को कहेंगे यार यहाँ पे हमला होने वाला है। तुम जॉब मांग रहे हो, एग्जैक्टली तुम मांग रहे हो, तुम खाना मांग रहे हो, तुम मेडिसिन मांग रहे हो, तुम तालीम मांग रहे हो, पहले उनसे बचो। तो यही मेन रीजन है जिसकी वजह से गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट मिलकर ये चाह रही है। लेकिन इस बार हुआ ये कि वो जो इंडिया के लोग हैं वो भी थोड़ा बिजी हो गए अपने कामों में और उनकी इकोनॉमी भी बेटर हो गई है, फॉरेन पॉलिसी भी बेहतर हो गई है, तो वो इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। जिस वक्त उनके पास भी फालतू का टाइम होगा तो वो भी कोई एक आध पायलट यहाँ भेज देंगे जिसे हम चाय पिला के वापस भेज देंगे, हमारा भी काम हो जाएगा उनका भी काम हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है और होना भी नहीं चाहिए। लोगों को अक्ल आनी चाहिए, यहाँ के लोगों को पता होना चाहिए कि इस तरह से मुल्क नहीं चलते। 75 साल आपने चला लिए मगर 75 से ऊपर कोई बेवकूफ नहीं बनेगा, तभी कुछ आगे हम बढ़ पाएंगे। एक तो ये 75 साल चला नहीं, धकेला गया है थोड़ा बहुत, मैं चला नहीं से कहते, चलना एक प्रॉपर अच्छी चीज होती है, ये समझ लें कि घसीटा गया है। खैर अच्छा मुझे ये बताएं केपीके में बहुत अफसोसनाक वाकया पेश आया जो ब्लैस्फेमी के हवाले से अगर हम बात करें तो ऐसा, मैं ये लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान में सोच बदल रही है हमारे लोग, हम और मुझे वाकई में पर्सनली ऐसा लगता था कि शायद अब सोच बदल रही है। मतलब जो सियालकोट में वाकया मैनेजर के साथ, श्रीलंकन मैनेजर के साथ पेश आया, वो बाद में छोटे मोटे वाकया ऐसे जो उनसे इंसिडेंट होते रहे लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद सोच बदल रही है। अब ये जो फिर वाकया पेश आया है क्या फिर हम वहीं पे अपना एक वो साबित कर देते हैं कि भाई हमें जितना समझा लो हम वहीं के वहीं खड़े रहेंगे? मतलब इसके ऊपर फिर दुनिया हंसेगी नहीं? नहीं देखिए इस पे कुछ नहीं हो सकता अभी फिलहाल तो, क्योंकि ब्लास्फेमी लॉ जो बना रखा है भुट्टो साहब के जमाने से और उसी किस्म का माइंडसेट लोगों का बन गया है और जिसको मार देते हैं उसके ऊपर अफसोस करने के बजाय जिन्होंने मारा होता है उसको हम हीरो बना देते हैं। तो जाहिर है ऐसी कंट्री में फिर क्या हो सकता है। आपने देखा सलमान तासीर का केस भी देखा है आपने, उसके बाद जो वहां श्रीलंकन सिटीजन को मारा उसको भी देखा है, चाइनीज को भी देखा और भी कई लोगों को देखा है। एक भट्टी साहब थे, मुझे उनका पूरा नाम याद नहीं आ रहा, क्रिश्चियन थे और ये सलमान तासीर साहब के बाद उन्हें भी मार दिया गया, तो मिनिस्टर थे PMLN के। तो ऐसे लोगों को मार दिया जाता है उसके बाद हीरो बनाया जाता है। तो जाहिर है कि जब तक सजा नहीं देंगे, मशाल खान का केस आपके सामने जो KPK यूनिवर्सिटी थे, तो जाहिर है कि करके सब लोगों को रिहा कर दिया, सबको जेल से बाहर छोड़ दिया गया है, तो ऑब्वियसली फिर इसी किस्म का हमने सोसाइटी हमने ऐसी ही बनाई है। यहाँ पर आप शायद बच जाए, आप अगर एस्टेब्लिशमेंट पे क्रिटिसाइज करते हैं, आप फौज को कुछ कह देते हैं, एजेंसी को, आपको छोड़ देंगे। लेकिन ये मुल्ला माफिया जो हमने पैदा की है, ये जो मदरसे हमने बनाए हैं जहां से हम जिहादी और टेररिस्ट बना के बाहर इधर उधर भेजा करते हैं, जो परवेज मुशर्रफ ने भी कहा था, उनकी वीडियो मौजूद है जनरल परवेज मुशर्रफ की, तो उन्होंने कहा था हाँ जी हमने जिहादी बनाए, हमने भारत भेजे, हमने वहां फलस्तीन में भेजे, कश्मीर में भेजे। तो जब हम हमारा माइंडसेट ये है, इसी से हमने डॉलर कमाए हैं, इसी से हमने पैसा बनाया है, तो फिर इन लोगों को खत्म करना पॉसिबल नहीं है। हमने जो 10 ग्रुप बनाए थे फॉर एग्जांपल, अब उसमें से 10 लाख लोग निकल आए, उनको कैसे कंट्रोल करेंगे? बहुत मुश्किल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आप आई डोंट नो, आई थिंक आप लाहौर में है, अगर आप इस्लामाबाद में देख लीजिए लाल मस्जिद, वो पूरा एक गुंडों का
गढ़ है लाल मस्जिद, और वहां पे जिस तरह से डंडे लेके उस मुल्ला के लोग खड़े रहते हैं वो देखने वाली हालत है, लेकिन उसके ऊपर कोई बात नहीं करता, कोई नहीं रुकता। मैं तो अगर परवेज मुशर्रफ को किसी एक चीज के लिए कहती हूँ कि सही काम किया था तो ये लाल मस्जिद का ऑपरेशन था, अदरवाइज कुछ नहीं। लेकिन खैर उसको भी वो कुछ नहीं कर पाए, मगर यहाँ पर यही माइंड सेट है और इसमें से निकलना फिलहाल तो पॉसिबल नजर नहीं आ रहा। दुख वाली बात है, और यकीन माने जो लोग कहीं से भी देख रहे हैं मुझे, पाकिस्तानी हैं या कहीं से इंडिया से लोग देख रहे हैं, यकीन माने खुद में शर्मिंदगी महसूस होती है जब चाहे आप ही पाकिस्तानी हैं, मैं भी पाकिस्तानी हूं, लेकिन अभी हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि शायद ये मजाक बनाया जा रहा है पाकिस्तान का, शायद पाकिस्तान के ऊपर क्रिटिसाइज करने के लिए ये लोग बैठते हैं। ओ भाई, ये सोच को बदलो, खुदा के लिए सोच को बदलो, अदरवाइज आज हम, मतलब आपको लग रहा है कि मजाक बन रहा है या हम मजाक बना रहे हैं, आपको लग रहा है, वैसे तो पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है, कल को प्रैक्टिकली जब ये चीजें होंगी लोग एक दूसरे को कत्लोगारत की तरफ जाएंगे। मतलब मैं आपका 50 रुपए नहीं दूंगा, आप कहेंगे 50 रुपए नहीं दिए, लो जी इसके ऊपर मैं ये वाला मजहब के नाम पे लगा के इसे 50 रुपए के पीछे काट दूंगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। ऐसी सोच से हमें बचना है, ऐसी सोच से हमें निकलना है। मुझे ये बताएं, आपने बोला कि जो इस्लामाबाद की आपने मस्जिद की बात की, केपीके की जो मस्जिद की, जो भी आपने वो चीजें बताई हैं, ऐसी मसाजिद, ऐसे अदारों की मैं बात करता हूँ, ये तो लाहौर में भी बहुत मौजूद हैं और बड़े बड़े नाम हैं जिनकी पार्टीज हैं प्रॉपर, और वो मरकज कहते हैं उसको, जी मरकज में ये है, गढ़ में ये है, वहां पे जो उनसे प्रॉपर हमारे जो उनसे हैं वो चाहने वाले 24 घंटे रेडी रहते हैं, हम सर काट देंगे, हम गर्दन काट देंगे। मुझे ये बताएं, क्या ये लेट्स सपोज किसी का सर काट दिया जाता है, क्या ये किसी इंसान का, मतलब किसी पाकिस्तान के आम शहरी का काम है कि वो तुहीन रिसालत पे सर काट दे? पहले तो ये है कि वो गवर्नमेंट का काम नहीं है कि उसे सजा दी जाए। बिल्कुल, ये गवर्नमेंट का काम है कि जो भी कानून के मुताबिक जो सजा बनती है वो हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा है नहीं, हर एक ने कानून अपने हाथ में लिया हुआ है। अब कल जिस आदमी को मारा गया है, क्या उसको पुलिस के हवाले नहीं करना चाहिए था अगर उसने कोई गलत? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसको मार दिया। अब उसकी ना FIR कटी है, ना किसी को पकड़ा गया है, ना किसी को थाने में बंद किया गया, तो इसका साफ मतलब यही है कि इस किस्म के लोगों को सपोर्ट किया जाता है। सलमान तासीर साहब को जिस आदमी ने मारा था, मुमताज कादरी, उसका मजार बना दिया गया है इस्लामाबाद में, वहां पे लोग चढ़ावे चढ़ा रहे हैं। यानी जिस आदमी ने उनको मार डाला, उनका गार्ड था, उसकी तो ड्यूटी थी कि उनकी हिफाजत करे, ना कि उनको मार डाले, और उसको अगर हीरो बना दिया, तो आप समझ सकते हैं कि किस किस्म का माइंड सेट है पाकिस्तान में। मैं इस चीज से 100% एग्री करता हूं कि आप यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट पे, आप यहाँ पे पॉलिटिशियन पे, इवन खुल्लम खुल्ला अगर मैं कहूँ आप फौज के ऊपर क्रिटिसाइज कर सकते हैं, शायद आप जो आपने बात की कि शायद आप बच जाएं, लेकिन किसी मौलवी को आप टच करेंगे, किसी मौलवी की गलती को वो बताएंगे, उसे पॉइंट आउट करेंगे, तो आप विद इन फ्यू डेज या विद इन फ्यू आवर्स शायद दोबारा बोलने के लायक नहीं रहेंगे। आरजू जी, मुझे ये बताइएगा कि G20 की अगर बात करें, क्या पाकिस्तान G20 को रोक सकता है, क्या रोकना चाहिए, और क्या कोई फायदा होगा? लेट्स सपोज रोक भी लेता है तो पाकिस्तान को कोई फायदा होगा? हमें एट द एंड पाकिस्तानी फायदे की बात करनी है, तो कोई फायदा होगा? देखिए, ना तो रोक सकता है, ना रोकना चाहिए, और ना ही कोई फायदा होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे कश्मीर का चूरन तो हम बेच ही रहे हैं ना सालों से, अब कैसे रुक जाए? इसलिए कि उसी के ऊपर तो हम कहते हैं कि जी हम भारत से जंग लड़ेंगे, 4 जंगें लड़ी हैं, उसमें हमारा असर क्या हुआ है दुनिया जानती है। अब तो वो टाइम नहीं रहा ना कि ये बोलेंगे कि जी हम जंगे जीत कर आए थे। अब तो सबको पता है कि 4 जंगे लड़ी, चारों में हम बुरी तरह से हार गए, चाहे वो कारगिल की क्यों ना, जिसमें हमने डेड बॉडीज तक एक्सेप्ट नहीं की थी, लेकिन यानी अपने ही फौजियों की डेड बॉडीज हम नहीं वापस ले रहे थे। वो बेचारे उन लोगों ने उनको भी जो है पूरे एहतराम के साथ दफनाया इंडियन आर्मी ने, तो हम बजाय शुक्रिया अदा करने के हम कहते हैं कि जी हमने तो 4 जंगें लड़ी। लेकिन अब G20 जो है उसमें हम एतराज कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसका कोई फायदा है, मैं भी नुकसान ही और कुछ नहीं होगा, यही चीज है। अच्छा, लास्ट में बस मुझे ये बताएं कि अगर G20 की हम बात करते हैं, थोड़ा सा हमारा स्टांस ये होता है जी वो एक मुतनाज इलाका है जिसकी वजह से G20 वहां पे कोई इंटरनेशनल इवेंट नहीं हो सकता, तो अगर जो हमने सी पैक और ये रोड वगैरह जो अपना चाइना से रोड निकल रहा है, क्या वो जो उधर से निकल रहा है, क्या उसे कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान से, तो क्या वो मुतनाज इलाका नहीं, इंटरनेशनली वो डिस्प्यूटेड एरिया नहीं?
बिल्कुल है, हमें भी नहीं करना चाहिए। हम तो क्रिकेट के बहुत से मैचेस भी करवाते हैं, खैर उस पे इंडिया भी एतराज करता है कि हमें नहीं करवाने चाहिए, मगर ये हमारा एक तरीका बन गया है।